वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है, क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं, वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, माँ शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए, भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की। उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को, उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन